नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में पढ़ रहे स्कूली बच्चों को उनको एक नया दोस्त मिल गया है। जी हाँ, यह दोस्त कोई और नहीं बल्कि इस नए दोस्त का नाम है पुलिस अंकल। सुनने में यह थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन यह सच है। दरअसल राजधानी दिल्ली पुलिस ने पुलिस अंकल के नाम से एक मुहिम चलाई है, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा बच्चों में अपराध को लेकर जागरूकता पैदा करने का काम करेगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में अपराध के ग्राफ पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार तरह तरह की मुहिम चलाकर दिल्ली के लोगों को जागरूक करने का काम करती रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस को काफी सफलता भी मिली है। इसी फहरिस्त में दिल्ली पुलिस ने बच्चों को अपना अगला लक्ष्य बनाया है, जिसका नजारा शुक्रवार 7 दिसंबर को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में देखने को मिला, जहां दिल्ली पुलिस की साउदर्न रेंज द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नाम पुलिस अंकल रखा गया और इस अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही भारी संख्या में विभिन्न स्कूलों के छात्र भी मौजूद रहे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने पुलिस अंकल के नाम से यह अभियान चलाया है, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा छोटे छोटे बच्चों को अपराध को लेकर जागरूकता पैदा करने का काम करेगी। इस कार्यक्रम में यही नजारा देखने को मिला, जहां इस अभियान की शुरुआत के साथ बच्चों को सेल्फ डिफेंस और साइबर क्राइम से जुड़े बातों को बताया। साथ ही इसी कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस की महिला स्वाट टीम का भी प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त अमूल पटनायक द्वारा पुलिस अंकल एक किताब का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए अमूल पटनायक ने इस पहल को एक ऐतिहासिक पल बताया और इस पहल के लिए दिल्ली पुलिस को जमकर सराहना की। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा शुरुआत की गई इस अभियान पुलिस अंकल का मकसद है कि बच्चों को, खास तौर पर छोटे स्कूल बच्चों को, अच्छी शिक्षा दी जाए और उनके सामाजिक आचरण और व्यवहार को लेकर उन्हें शिक्षित किया जाए। साथ ही उन्हें जागरूक किया जाए कि वह किस तरह की गतिविधियां रखे और किस तरह की गतिविधियों से बचे, ताकि वह किसी बड़े अपराध के शिकार ना बन सके। ये पुलिस अंकल इनिशिएटिव जो दिल्ली पुलिस का है, ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि हम सोसाइटी के लिए जो पुलिस वाले मेहनत करके काम करते हैं और पुलिस वाले सोसाइटी के लिए क्या क्या करते हैं, सोसाइटी के कितना एक इम्पोर्टेंट विंग है पुलिस, ये सब चीज़ें बच्चों को सही टाइम पर समझाना ज़रूरी है, ताकि बच्चों के माइंड में पुलिस के लिए जो भावना होगी वो सही होनी चाहिए, वो पुलिस को करेक्ट पर्सपेक्टिव से समझे कि कितना इम्पोर्टेंट सर्विस एजेंट है सोसाइटी के लिए पुलिस। और उसके साथ साथ ये इनको समझाने के साथ साथ हम इसी प्रोग्राम के ज़रिए और भी एफर्ट करते हैं कि जो बच्चों को कुछ सही डूज एंड डोंट्स हम सिखाएं, खास करके अपराध की रोकथाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बच्चे अपराध के शिकार ना बने। थोड़ा सा ट्रेंड है ज़्यादातर सोसाइटी में कि बच्चे जो कि वो वल्नरेबल है, हेल्पलेस है, तो जो अपराधिक तत्व तो है थोड़ा सा फ़ायदा उठा के बच्चों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सही टाइम पर कुछ चीज़ों के बारे में समझाएं, ताकि वो अलर्ट रहें और सही समय पर प्रिकॉशंस लें। इसके साथ साथ जो पेरेंट्स के लिए जो कुछ डूज एंड डोंट्स, वो भी हमने इस किताब में, अपने सफल किताब में उसको कंपाइल किया हुआ है, ताकि पेरेंट्स ऑल्सो थोड़ा सा देखें कि बच्चे कहीं उनके बच्चों को कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें इसके इस इनिशिएटिव के दौरान इसको रखा गया है। और आजकल के जो जनरल साइबर ऑफेंसेस, एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज बन गया है साइबर वर्ल्ड में। बच्चे काफ़ी अर्ली स्टेज में एंटर कर जाते हैं, ताकि इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं तो साइबर वर्ल्ड में, जैसे इंटरनेट हुआ, व्हाट्सएप हुआ, तो इन सब चीज़ों का जो दी अदर साइड ऑफ इट, दैट इज़ कोई अगर गलत एंटी सोशल या क्रिमिनल एलिमेंट इन्हीं साइबर वर्ल्ड के जरिए बच्चों को अगर टारगेट करना चाहे तो काफ़ी कुछ नुकसान पहुँचा सकता है। तो साइबर डूज एंड डोंट्स के बारे में भी बच्चों को सही टाइम पर जानकारी देना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस द्वारा शुरुआत की गई इस अभियान का भी विशेष मकसद यही है कि दिल्ली पुलिस और बच्चों के बीच एक बेहतरीन रिश्ता बनाया जा सके और बच्चे इन पुलिस जवानों को अपना दोस्त समझे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली पुलिस द्वारा शुरुआत की गई इस अभियान के बाद दिल्ली पुलिस और बच्चों के बीच एक बेहतरीन रिश्ता कायम किया जा सकता है, साथ ही अपराध के ग्राफ में भी लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन देखना यह भी होगा कि पुलिस अंकल की यह मुहिम दिल्ली पुलिस द्वारा बच्चों के बीच पहुंचने में कितना कारगर साबित होगा।
यूनिवर्सल न्यूज के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।